इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन द्वारा 10-11 फरवरी को राष्ट्रीय सेमिनार दलहन दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। दलहन दिवस के इस मौके पर इस पूरे आयोजन से जुड़ने वाले सभी महानुभावों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि इस सेमिनार में दलहन के क्षेत्र में काम करने वाले FPO किसान, कृषि वैज्ञानिक और इस क्षेत्र में सक्रियता से उपलब्धि हासिल करने का जज्बा रखने वाले लोग मौजूद हैं। इन दो दिनों में दलहन का उत्पादन और उत्पादकता और गुणवत्ता, अच्छे बीजों का ईजाद करने की दृष्टि से व्यापक विचार विमर्श होगा। मुझे प्रसन्नता है कि साइंटिस्टों के और किसानों के प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत भी तेजी से दलहन के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। पिछले दिनों 2017 से 19 के बीच में अगर हम देखें तो दलहन के रकबे में 9% की वृद्धि हुई है और अगर उत्पादन देखें तो 23% की वृद्धि दर्ज करता है। भारत में दलहन का सालाना औसत उत्पादन 240 लाख टन है। हमारी कोशिश है कि आने वाले 10 वर्षों में 2030 तक इसे 320 लाख टन बढ़ाया जाए। इस दिशा में आज हमारी आवश्यकता भी है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारें भी सक्रियता से काम कर रही हैं और किसान भी गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जब यह सेमिनार 10-11 को दलहन दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है तो इसमें बड़े पैमाने पर जो विचार विमर्श होगा, विमर्श के दौरान बहुत सारे निष्कर्ष आएंगे। मेरा आप सब से आग्रह है, इन निष्कर्षों से कृषि मंत्रालय को भी ज़रूर अवगत कराइए। इन निष्कर्षों के आधार पर हम अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हुए इस अभियान को और गति देने में सफल होंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।